उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म समपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2024 पास हो गया। साथ ही उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा यानी अनुचित साधनों का निवारण विधेयक 2024 भी पास हो गया। दोनों महत्वपूर्ण विधेयकों को सोमवार को सदन में पेश किया गया था। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण विधेयक भी पास हुए हैं। बता दें, विधानसभा में मंगलवार को उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म समपरिवर्तन प्रतिशोध विधेयक 2024 पास हो गया है। इसे सोमवार को पेश किया गया था। यूपी सरकार ने इससे पहले विधानसभा में धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 पारित किया था। इस विधेयक में संशोधन कर सजा व जुर्माने की दृष्टि से बहुत मजबूत किया गया है। इसमें पहले से परिभाषित अपराधों की सजा जहां दोगुनी तक बढ़ा दी गई है, वहीं नए अपराध भी शामिल किए गए हैं। नए प्रावधानों के तहत धोखे, कपट, बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन कराने व शादी करने पर अब 3 से 10 साल की जेल व 25,000 रुपए जुर्माना होगा। पहले इसमें 1 से 5 साल की जेल व 15,000 रुपए जुर्माने की सजा थी। वहीं नाबालिग महिला SST संघ अपराध पर अब 14 साल की जेल व 1,00,000 रुपए तक जुर्माना तथा अवैध रूप से सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने पर 7 से 14 साल की जेल तथा 1,00,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। आपको बता दें, यह संशोधन विधेयक धर्म परिवर्तन के अपराध की संवेदनशीलता और गंभीरता के मद्देनजर लाया गया है। इससे विदेशी व राष्ट्र विरोधी ताकतों की संगठित साजिश को रोका जा सकेगा। इसी वजह से सजा और जुर्माने की राशि को बढ़ाने के साथ साथ जमानत की कड़ी शर्तों के प्रावधान किए गए हैं। साथ ही नाबालिग, दिव्यांग और मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों को भी इस अपराध का शिकार होने से बचाया जा सकेगा। वहीं उत्तर प्रदेश में परीक्षाओं को पारदर्शी और सुचारू पूर्णता तरीके से संपन्न कराने के लिए योगी सरकार ने एक और अहम कदम उठाया है। सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों और पेपर लीक की रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 को विधानसभा में मंगलवार को विधानसभा में पास किया गया है। नए कानून के तहत योगी सरकार नकल माफिया पर नकेल कसेगी। अब परीक्षा में नकल व पेपर लीक कराने वाले गिरोह के सदस्यों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जा सकेगी। इसमें न्यूनतम 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक का सजा का प्रावधान है। इसमें 1,00,000 रुपए तक के जुर्माने को भी शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि योगी सरकार पहले भी पेपर लीक जैसे मामलों पर कड़े कदम उठा चुकी है और अब इस विधेयक का पास होना इस क्रम में एक और बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके अलावा निजी विश्वविद्यालय विधेयक भी पास हुआ है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।